चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल कॉमर्स पॉइंट। चैप्टर नंबर फर्स्ट, मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन, नेचर, सिग्निफिकेंस एंड स्कोप से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज की हमारी 2021 जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन है उसकी सीरीज। आज से हम हर एक दिन, जी हाँ हर एक दिन हम बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का हम एक वीडियो देखेंगे जहाँ पर एक एक टॉपिक हम अच्छे से समझने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ नोट्स। प्लस जो नोट्स डाउनलोड करने का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से अपने लिए भी यही नोट्स जिनसे मैं पढ़ा रहा हूं वो अपने लिए डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज के वीडियो में हम बेसिकली मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन, नेचर, सिग्निफिकेंस एंड स्कोप जो कि हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसका तीन मेजर टॉपिक देखने वाले हैं, मीनिंग पढ़ने वाले हैं, डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम इस रिविजन सीरीज या फिर इन जो हमारे लेसन होंगे उनके दौरान ही हम सब कुछ डिस्कस करने भी वाले हैं। राइट, चलिए मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट से स्टार्ट करेंगे। दो चीजें पहले समझनी है, मीनिंग और डेफिनेशन में फर्क क्या है। मीनिंग जब भी आपसे पूछी जाती है तो आप जो भी उस टॉपिक के बारे में जानते हैं अपने मन से भी बना के लिख सकते हैं, लेकिन जब भी डेफिनेशन की बात आती है वहां पर आपको किसी भी एक ऑथर की डेफिनेशन कोट करनी पड़ती है। कोट मतलब वर्ड टू वर्ड जो भी उन ऑथर ने कहा है वो आपको लिखना पड़ता है। राइट, चलिए मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट से स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट इज नेसेसरी फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, नेचर एंड फंक्शन। मैनेजमेंट हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक अहम हिस्सा है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा हो, छोटा हो या मीडियम स्केल की हो। नेचर कुछ भी हो, मतलब एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, एक एनजीओ हो, मतलब टाइप ऑफ बिजनेस जो है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पर मैनेजमेंट की जो अहमियत है, मैनेज करने की जो ज़रूरत है वो उतनी ही पड़ती है जितनी अदर ऑर्गेनाइजेशन में पड़ती है। राइट, तो जितने भी फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जो हमारे बेसिक फंक्शन हैं उनको मैनेज करने के लिए भी मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बट इवन नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड टू बी मैनेज इट्स फंक्शन। अब यहाँ पर क्या लिखा है, जो कॉमन बिजनेसेस हैं हमारे सिर्फ उन्हीं को नहीं मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है, बल्कि जो नॉन बिजनेस है, एनजीओस वगैरह भी हैं या फिर स्कूल्स हैं, राइट, एक बेसिक सी एक शॉप है, वहाँ पर भी उतनी ही मैनेजमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है जितनी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है। राइट, मैनेजमेंट इज़ अ परवेसिव, परवेसिव मतलब जिसकी अहमियत, जिसकी इंपॉर्टेंस हर जगह हो। राइट, एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है, एक परवेसिव है, ग्लोबल फंक्शन है और हर जगह इसकी अहमियत या इंपॉर्टेंस फील होती है। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन वर्क स्मूथली एंड एफिशिएंटली विदाउट मैनेजमेंट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फ्री फ्लो में स्मूथली वर्क नहीं कर सकती अनलेस एंड अनटिल कोई एक अच्छा मैनेजर उसको अच्छे से मैनेज ना करे। राइट, हो रहा है बच्चों, क्लियर? चलिए नेक्स्ट, जो एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी एक मार्क्स में, जैसे आपको नंबरिंग पता है हमारे जो आरबीएससी में क्वेश्चन आते हैं वो एक मार्क्स के आते हैं, राइट, दो मार्क्स के आते हैं, फिर चार के आते हैं और फिर छः के आते हैं। राइट, तो यहाँ पर वन मार्क्स में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच में हमें डिफरेंस बताइए। तो दोनों का मतलब एक ही लगते हैं लेकिन एक स्लाइट डिफरेंस है जो हमें जानना है। देखिए, इफेक्टिवनेस क्या होता है, इट रेफर टू कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम, मतलब यहाँ पर हमें जो भी काम होता है, जो भी टास्क होता है, टाइम से कंप्लीट करना है, टाइम से कंप्लीट करना है इफेक्टिवनेस। मतलब एफिशिएंसी क्या है, इट रेफर टू कंप्लीशन ऑफ टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट एंड विद नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। राइट, यहाँ पर हमें कॉस्ट कम से कम रखनी है। इफेक्टिवनेस में क्या है, टाइम से कंप्लीट करना है, कॉस्ट ज़्यादा भी लग जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें टाइम से तो करना ही है लेकिन मेक श्योर करना है कि जो कॉस्ट है वो भी कम से कम हम यूज़ में लें या कम से कम हमारा वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो। ज़्यादा क्लियर हो रहा है, इफेक्टिवनेस में टाइम पे काम करने में ज़्यादा फोकस होता है, एफिशिएंसी में कॉस्ट रिडक्शन में ज़्यादा फोकस होता है। इफेक्टिवनेस में प्रोड्यूसिंग टारगेट प्रोडक्शन ऑन टाइम, टाइम पे जो हमारा प्रोडक्शन है वो हो जाना चाहिए। एफिशिएंसी की बात करें तो प्रोड्यूसिंग टारगेट प्रोडक्शन ऑन मिनिमम कॉस्ट, टाइम पे जहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है वो होता है इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी पे जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत होती है वो क्या होता है, वो होता है कॉस्ट, वो होता है हमारा एफिशिएंसी। राइट, चलिए
आगे देखते हैं डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट। अभी डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट में हमारे जो बुक्स वगैरह में, सिलेबस वगैरह में, तीन चार या फिर ज़्यादा ही नियर अबाउट 8 to 10 डेफिनेशंस दे रखी है, उतनी सब करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बेसिक से मैंने 3 या 4 डेफिनेशन लिख रखी है, वही अगर आप कर लेंगे तो इनफ है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के। राइट, देखिए जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो आप मार्क कर सकते हैं बुक्स वगैरह में भी, नहीं तो अगर आप मेरे नोट से पढ़ेंगे तो यहाँ पर स्पेसिफिकली गिवन है वो डेफिनेशन जो कि इंपॉर्टेंट है। पहली है अकॉर्डिंग टू मैरी पार्कर फॉलेट की, पढ़ लेते हैं क्या है। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन थ्रू अदर पीपल। देखिए सिंपल सी डेफिनेशन है, वहां पर मैरी पार्कर फॉलेट क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट एक आर्ट है, मतलब हर किसी के बस में नहीं होता मैनेज करना, इसलिए एक मैनेजर के पास एक आर्ट होनी चाहिए जिसके थ्रू वो काम करवाता है लोगों से। एक मैनेजर है ऑर्गेनाइजेशन का, वो सारे काम नहीं कर सकता अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है। देयरफॉर ही मस्ट हैव एन एबिलिटी टू गेट द थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स। तो यही कहा है मैरी पार्कर फॉलेट ने, एक मैनेजर में एबिलिटी होनी चाहिए, एक आर्ट होनी चाहिए जिसके थ्रू वो लोगों से काम करवा सके। लॉरेंस एपली की बहुत फेमस डेफिनेशन है, मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग। हो सकता है आपकी बुक्स वगैरह में थोड़ा सा स्लाइड चेंजेस हो डेफिनेशन में, वो इतना मायने नहीं रखता है। आपकी बुक में या मेरे नोट्स में जो भी डेफिनेशन है आप लिख सकते हैं, मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। राइट, मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ पीपल है, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स हैं, स्टाफ है, उनको डेवलप करना ही मैनेजमेंट की सबसे बड़ी खूबी है या एक मैनेजर की सबसे बड़ी खूबी है। क्योंकि अनलेस एंड अनटिल एक मैनेजर अपने वर्कर्स को डेवलप नहीं करेगा, उनका बिहेवियर में चेंजेस नहीं लाएगा, तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, जो गोल होंगे वो अचीव नहीं हो पाएंगे। इसलिए लॉरेंस एपली ने क्या कहा है, द मैनेजमेंट शुड फोकस मोर ऑन द डेवलपमेंट ऑफ पीपल नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग। चीज़ें जो हैं अपने आप मैनेज हो जाएंगे इफ़ यू आर ह्यूमन रिसोर्स और द पीपल और द वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन आर वेल मैनेज। राइट, लोगों को मैनेज करो, चीज़ें अपने आप मैनेज हो जाएंगी। राइट, अकॉर्डिंग टू हारन कुंस की डेफिनेशन है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स एंड विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप। सेम है फॉलेट जी ने जो डेफिनेशन दी थी वहाँ पर भी यही है, आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू अदर्स पीपल विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप। फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप मतलब सब यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से, फॉर्मल तरीके से होता है। इनफॉर्मल क्या होता है, बहुत ही लाइट, जहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं होती लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होती है। फॉर्मल तरीके से सारी चीज़ें होती है और फॉर्मली ग्रुप बनते हैं। ग्रुप क्या होते हैं, ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक इंडिविजुअल को काम देने की बजाय ग्रुप में काम दिए जाते हैं, ग्रुप में टास्क दिए जाते हैं ताकि पूरे ग्रुप मिलकर उस गोल को अकम्प्लिश या अचीव कर सके। राइट, तो हारुल कुंस क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट क्या है, इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। सिंपल। F.W. टेलर की नेक्स्ट डेफिनेशन है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग क्या करना है, व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट मैनर। देखिए क्या कहा है F.W. टेलर ने कहा है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग, आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट टू डू। मैनेजमेंट क्या है, ये पता करना कि करना क्या है और मेक श्योर करना कि जब पता लग जाए करना क्या है, उस चीज को हम बेस्ट तरीके से और चीपेस्ट तरीके से करें। सिंपल, हो रहा है क्लियर। पहले क्या बोलते हैं F.W. टेलर, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो टास्क क्या है, हो गया आइडेंटिफाई टास्क क्या है, पता लग गया क्या करना है, अब उस काम को हमें बेस्ट तरीके से और कॉस्ट फ्रेंडली तरीके से करना है जिससे कम से कम हमारे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हों। यस और नो, हेनरी फ्योल की डेफिनेशन में आते हैं, मैनेजमेंट इज टू फॉरकास्ट। मैनेजमेंट क्या है, प्रिडिक्ट करना फ्यूचर के बारे में, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, कमांड करना, कोऑर्डिनेट करना और कंट्रोल करना एक्टिविटीज़ को। सिंपल, कोई कन्फ्यूजन। राइट, तो इनमें से आपको डेफिनेशन लर्न करनी है, सारी नहीं भी करनी है। तो अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो मैरी पार्कर फॉलेट की आपको करनी है, लॉरेंस एपली की आपको करनी है, ये दो बिल्कुल नहीं छोड़नी है। ये दो करने के बाद और जितनी भी डेफिनेशन है 3-4 जो बची हुई हैं उनमें से एक कोई भी आप कर सकते हैं, लेकिन फॉलेट की और एपली साहब की डेफिनेशन हमें करनी ही करनी है फ्रॉम द बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यस और नो, चलिए फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है लेकिन आपको समझ में नहीं आए हैं, आई नो दैट। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस से क्या मतलब है कि सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में एक गोल सेट होता है। अनलेस एंड अंटिल आपको ये नहीं पता होगा कि मैनेज क्या करना है, आप मैनेज क्या करोगे,
इसलिए ज़रूरी है एक गोल हो। उस गोल को मैनेज करने के लिए ही एक मैनेजर अपने रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करेगा, अपने वर्कर्स को ऑर्डर देगा, इंस्ट्रक्शन देगा, सारे काम करवाएगा, राइट। तो मैनेजमेंट क्या है, इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल की तरफ हमें जाना है, गोल को अचीव करना है, और गोल जब अचीव होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन भी सक्सेसफुल हमारी होगी। सिंपल, कोई कन्फ्यूजन। चलिए सेकंड जो हमारा फीचर है वो है मैनेजमेंट क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी। सिंपल सा पॉइंट है, मैनेजमेंट जो एक बंदा करता है जिसको हम मैनेजर बोल रहे हैं, क्या वो ह्यूमन बीइंग है? बिल्कुल एक ह्यूमन बीइंग है। एनिमल्स को मैनेज नहीं करा जा सकता, ना ही एनिमल्स मैनेज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। तो मैनेजमेंट की जब भी बात आती है तो इट इज़ अ ह्यूमन एक्टिविटी डन बाय द ह्यूमन फॉर द ह्यूमन फॉर द बेनिफिट ऑफ द ह्यूमन, राइट। तो यहाँ पर क्या है, सिंपल सा, इफेक्टिव मैनेजमेंट कैन बी अकम्प्लिश्ड ओनली थ्रू प्रोफेशनल ह्यूमन बीइंग। सच ह्यूमन बीइंग आर स्पेशलाइज्ड एंड एक्सपर्ट इन मैनेजमेंट एंड नॉलेज एंड स्किल। जो भी लोग हैं, जो भी पर्सन हैं, जो भी टास्क है, जो भी स्टाफ है, हमारा सारा एक्सपर्ट होता है, स्पेशलाइज्ड होता है काम करने में, काम करवाने में। पूरा क्लियर? चलिए, मैनेजमेंट इज अ एनवायरमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटी, बिल्कुल ठीक है। हमें एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना पड़ता है, हमें सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस करने पड़ते हैं। दो तरीके एनवायरमेंट होते हैं, दो तरीके के एनवायरमेंट होते हैं। एक होता है इंटरनल एनवायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का वातावरण, दूसरा होता है एक्सटर्नल एनवायरमेंट। हमारा इंटरनल एनवायरमेंट पे तो पूरा कंट्रोल है, लेकिन जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है, जहाँ पर गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है, लीगल एनवायरमेंट है, कस्टमर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, ये हो गए सारे एक्सटर्नल एनवायरमेंट। तो हमें इनके अकॉर्डिंग, कस्टमर्स के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस करने पड़ते हैं। इसलिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन को फ्लेक्सिबल होना पड़ता है और एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना पड़ता है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? चलिए फोर्थ हमारा फीचर है, मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग फोर्स। मतलब एकजुट होके, मिलजुल के काम करना ही मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग द फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। अनलेस एंड अनटिल जितने भी रिसोर्सेज हैं, वेदर इट इज़ फिजिकल, वेदर इट इज़ फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज, अगर मिलजुल कर इंटीग्रेट होकर वर्क नहीं करेंगे, कोई कुछ और कर रहा है, कोई कुछ और करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, एक कोऑर्डिनेशन नहीं मेंटेन रह पाएगा। और अगर कोऑर्डिनेशन मेंटेन नहीं रह पाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल जो हैं हमारे, वो टाइम पे अचीव नहीं हो पाएंगे। और अगर टाइम पे अचीव नहीं हो पाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर पाएगी, राइट। फिफ्थ जो हमारा फीचर है वो है, मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद प्रोडक्टिविटी। जी हाँ, एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज तो हो रही है, लेकिन वहाँ पर प्रोडक्टिविटी नहीं है। जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है वो सेल नहीं हो रहा, प्रॉफिट नहीं हो रहा, ग्रोथ नहीं हो रही, तो मैनेजमेंट लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी, या फिर ये ऑर्गेनाइजेशन जो है लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। देयरफोर अच्छा मैनेज करना डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट होना चाहिए प्रोडक्टिविटी से। अगर हम अच्छा मैनेज कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रोडक्टिविटी में रिजल्ट दिखना चाहिए, गोल्स अचीव होने चाहिए, रेवेन्यू इनकम आनी चाहिए, ग्रोथ एंड प्रोग्रेशन होना चाहिए कंपनी का, देन ओनली वी कैन सेड और वी कैन कॉल अ कंपनी अ सक्सेसफुल कंपनी। हो रहा है बच्चों, एम आई मेकिंग सेंस, राइट। चलिए सिक्स पॉइंट देखते हैं, मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल एक्टिविटी। सिंपल सा पॉइंट है, मैनेजमेंट क्या है, एक परवेसिव एक्टिविटी है, यूनिवर्सल एक्टिविटी है। देखिए, आप मुझे बताइए कि इंडिया में किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने की जरूरत पड़ती है क्या? बिल्कुल पड़ती है। किसी स्कूल को मैनेज करने की जरूरत पड़ती है क्या? बिल्कुल पड़ती है। एक मॉल को मैनेज करने की जरूरत पड़ती है क्या? बिल्कुल पड़ती है। एक छोटी सी शॉप को मैनेज करने की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल पड़ती है। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, मीडियम स्केल की हर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में मैनेज करने की जरूरत पड़ती है। क्या वही चीज़ों की मैनेज करने की जरूरत या उतना ही इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट का क्या आउटसाइड इंडिया भी है? ऑस्ट्रेलिया में, US में, राइट, अफ्रीका में, हर जगह, हर जगह क्या मैनेज करने की जरूरत पड़ती है? वेदर इट इज़ ऑर्गेनाइजेशन, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, इंस्टीट्यूशन, कॉलेजेस, पड़ती है ना। तो देयरफॉर मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल एक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। आपने पढ़ा था 9th-10th में इंटेंजिबल, व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंजिबल? इंटेंजिबल क्या होता है? इंटेंजिबल मैनेजमेंट कैन बी सीन और टच्ड, बट इट्स एग्जिस्टेंस कैन बी फेल्ट इन द फॉर्म ऑफ अ गुड और बैड रिजल्ट।
जिसको देखा नहीं जा सकता, टच नहीं करा जा सकता, लेकिन जो उसका एग्जिस्टेंस है, वेदर इट इज बिलोंगिंग और नॉट, हम उसकी प्रेजेंस से फेल्ट कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट के साथ भी कुछ ऐसा ही है, राइट? एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आप बोलते हैं कि टाटा इंडस्ट्री है, रिलायंस इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है, बिजनेस है, तो आप कैसे बोल सकते हैं ये सब? क्या आपने उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके कभी वर्किंग करते हुए देखा है वर्कर्स को? क्या आपने टॉप लेवल जो मैनेजर्स हैं उनको वर्क करते हुए देखा है? नहीं देखा। आपने कैसे पता करा है? उनके रिजल्ट से, पेपरों में, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स जो छपते हैं, जो न्यूज़ पब्लिश होती है, उसके थ्रू देखा है। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है इंटेंजिबल फोर्स का, कि आपने उसको सीन या टच करते हुए नहीं देखा, ऑपरेट होते हुए नहीं देखा, बट उसका जो रिजल्ट है उससे आपने फेल्ट करा कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से मैनेज हुई है या फिर प्रॉफिट कमा रही है। प्रॉफिट कमा रही है मतलब अच्छे से कोई मैनेज कर रहा होगा, अच्छे से मैनेज हो रही होगी, तभी तो वो अच्छे से ऑपरेट कर पा रही है, तभी तो उसको रेवेन्यू हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, मैनेजमेंट के साथ भी ऐसा है। अगर आप अपने स्कूल में एक कॉरिडोर से गुजरते हैं और उस कॉरिडोर में देखते हैं कि क्लास है, क्लास 12th, बिल्कुल शांत है, बच्चे चुपचाप बैठे हुए हैं, तो आप क्या समझेंगे और आप क्या बोलते हैं कि इस टीचर ने क्लास को अच्छे से मैनेज कर रखा है? क्या आप उस क्लास में बैठते हो? नहीं बैठते। क्या आप उस क्लास में गए थे? नहीं गए थे। क्या आपने उस क्लास के टीचर से बात करी थी? नहीं करी थी। आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, लेकिन वहाँ के एनवायरमेंट से, वहाँ के आपके एटमॉस्फेयर से आपको पता लग गया कि ये चीज़ें अच्छे से मैनेज हैं। तो इससे क्या एक रेफरेंस जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल या क्लास अच्छे से मैनेज कर रखी है उस पर्टिकुलर टीचर ने? तो ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा ही है। ऑर्गेनाइजेशन बैड है, अच्छी है, गुड है, जैसी भी है, वो उसके रिजल्ट से पता लग जाता है। अगर प्रॉफिट मेकिंग कोई एंटिटी है, दैट सिंपली मींस दैट ऑर्गेनाइजेशन इज वेल मैनेज्ड, वेल टेकन केयर ऑफ बाय द ओनर इटसेल्फ, राइट? तो ये हैं हमारे सेवन इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप सो। मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, हमारे तीनों टॉपिक आज का जो डिस्कशन था उसके लिए कंप्लीट हो गए होंगे। कल हमारा टॉपिक रहेगा ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस। एक एक कर हम पढ़ने वाले हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट नहीं कराने वाला, क्योंकि आपको बोरियत हो जाती है। 10 से 15 मिनट तक का वीडियो रखेंगे हम, और हर एक दिन वीडियो आने वाला है, इसलिए कोशिश करूंगा मैं एक परफेक्ट टाइम में, शाम के ही वक्त, राइट, 7 के बाद, आफ्टर 7 इन द इवनिंग के बाद आपको ये अपलोड मिल जाएगा, ताकि आप रोज एक वीडियो देखकर अपना रिवीजन जो है अपना कायम रख सकें और अपने अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकें। डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे, वहां से आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, राइट? चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा।